लास्ट वीडियो में हमने देखी थी मुंबई के नियरेस्ट 3 ऐसे केव्स जो आप वन डे ट्रिप में कंप्लीट कर सकते हो, बट आज मैं आपको मुंबई से थोड़ा दूर पर हाँ वन डे ट्रिप में आप कवर कर सकते हो ऐसे केव्स बताने और दिखाने वाली हूँ। सो हेलो, आई एम विशाखा, वेलकम टू आफ्टर खिड़की। तो आज हम देखने वाले हैं 3 ऐसे केव्स जो युग, अष्टविनायक और ऐसे हिंदू देवस्थान से काफ़ी रिलेट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस लिस्ट में सबसे पहले जो केव है वो है लेनाद्री केव्स जो पुणे डिस्ट्रिक्ट के जुन्नर तालुके में आता है, जहाँ पर आपको विटनेस करने मिलेंगे अष्टविनायक में से एक गणपति जिनका नाम है गिरिजात्मक गणपति। या आप लोकल ट्रांसपोर्ट या पर्सनल व्हीकल दोनों से आ सकते हो। अगर आपको लोकल ट्रांसपोर्ट की डिटेल में जानकारी चाहिए तो उसका वीडियो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप क्लिक करके वो वीडियो पूरा देख सकते हो। और मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देती हूँ कि आप यहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट से कैसे आ सकते हो। तो यहाँ पर आने के लिए सबसे नियरेस्ट जो ST स्टैंड है वो है कल्याण, जहाँ से आपको 10 से 15 मिनट पर जुन्नर जाने के लिए बस मिल जाएगी। तो लोकल ट्रांसपोर्ट से यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको लेनी है एंट्री टिकट। मैंने अभी एंट्री टिकट ले लिया है यहाँ का एंट्री टिकट है 25 रुपीज पर पर्सन। और एंट्री टिकट लेने के बाद मैंने अपने स्टेयर्स चढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर जो टोटल स्टेयर्स है वो है पूरे 300 स्टेयर्स। हम पूरे 300 स्टेयर चढ़ने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने मिलेगा वो है चैत्य ग्रह, और उसी के बाजू में है गणपति बप्पा जी के केव्स में जाने के लिए रास्ता। केव नंबर 7 जो इस पूरे केव में सबसे ऊंची और बड़ी केव है, जो पूरी 52 फीट चौड़ी और 57 फीट लंबी केव है, जिसमें हमारे गिरिजात्मक गणपति बप्पा विराजमान है, जो अष्टविनायक गणपति में से 6 नंबर के गणपति बप्पा है, जिन्हें हम गिरिजात्मक इस नाम से जानते हैं। और इस नाम का अर्थ है पहाड़ में जन्मे हुए बाप्पा, और इसी शब्द का दूसरा अर्थ है गिरिजा। गिरिजा यानी कि पार्वती और गिरिजात्मक यानी कि पार्वती जी के पुत्र। और यहाँ के बारे में जानने के लिए आपको डिटेल वीडियो जरूर देखना चाहिए। यहाँ टोटल 30 केव है, बट यहाँ पर कुछ कुछ केव से वो बंद है बिकॉज वो केव्स टूट गई है, पर आपको लगभग 10 से 11 केव एक्सप्लोर करने मिलेंगी जो काफी ज्यादा सुंदर है। अगर आप इस बारिश में यहाँ पर विजिट कर रहे हो तो आपको ये जगह बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी, और आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ग्रीनरी भी एक्सपीरियंस करने मिलेगी। तो जुन्नर के आसपास कोई ऐसी जगह देख रहे हो जो आप वन डे ट्रिप में एक्सप्लोर कर सकते हो या फिर मुंबई से देख रहे हो आने के लिए, तो ये जगह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो इस मॉनसून में या फिर कभी भी अगर आप जुन्नर आ रहे हो तो ये जगह ज़रूर विजिट करना। अगर डिटेल में देखकर इस जगह पर विजिट करना चाहते हो तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखना। इस वीडियो की जो सेकेंड केव है वो भी पुणे के डिस्ट्रिक्ट में बेगड़ेवाड़ी विलेज में स्थित है, जिसका नाम है गुड़ारेश्वर केव, AKA शिलारेश्वर केव। यहाँ आना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। लोकल ट्रांसपोर्ट से आपको यहाँ पर कैसे आना है ये डिटेल में जानने के लिए आप सबको पता ही है कि क्या करना है, तो यस इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आपको लोकल ट्रांसपोर्ट से यहाँ पर कैसे आना है वो जानने के लिए वो वीडियो ज़रूर देखना। पर अगर शॉर्टकट में बताओ तो आपको लोनावला उतरना है, वहाँ से आपको लोकल ट्रेन पकड़नी है और आपको आना है बेगड़ेवाड़ी। उसके बाद आपको कैसे आना है उसका वीडियो आपको डिटेल में मिल जाएगा। यहाँ आने के लिए आपको 400 सीढ़ियाँ चढ़कर आप पहुँचते हो गुड़ारेश्वर केव, जहाँ आपको टोटल 9 बुद्धिस्ट केव देखने मिलेंगी, जहाँ पर आपको हिंदू कल्चर का भी एक्सपीरियंस करने मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले जो केव है उसमें आपको विटो रुकमाई जी की प्रतिमा देखने मिलेगी, और यहाँ पर कुछ कुछ केव्स ऐसी भी है जहाँ पर आपको छोटा सा ट्रैक करके उन केव को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो केव है वो है चैत्य ग्रह। तो वो दो केव एक्सप्लोर करने के बाद मैंने देखी 9 केव में से सबसे बड़ी केव, जिसका नाम है चैत्य ग्रह, जहाँ पर बौद्ध मोक अपने बुद्धा की अर्चना और मेडिटेशन किया करते थे। अभी के वक्त में आपको यहाँ पर शिव जी का मंदिर देखने मिल जाएगा, और ये मंदिर के बाहर ही आपको महाबली हनुमान जी का छोटा सा मंदिर देखने मिल जाएगा जो काफी ज्यादा सुंदर है। और शिवजी का मंदिर यहाँ क्यों बनाया गया है और गुड़ारेश्वर केव ये नाम क्यों पड़ा, क्या आपको पता है? इसकी कहानी काफी ज्यादा यूनिक है। अगर आपको यहाँ के बारे में डिटेल हिस्ट्री जाननी है तो गुड़ारेश्वर केव की डिटेल वीडियो भी आपको जरूर देखनी चाहिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसकी कहानी भी काफी ज्यादा यूनिक है। गुड़ारेश्वर केव में आपको यहाँ पर टॉप पर एक मंदिर भी देखने मिलेगा, जहाँ पर आपको 10 मिनट का इजी टू मॉडरेट लेवल का ट्रैक करके आप टॉप पर पहुँचते हो, और वहाँ पर आपको देखने मिलेगा ये मंदिर और ये सुंदर व्यू।
तो यहाँ ऊपर भी मैंने अच्छे से दर्शन कर लिए। यहाँ पर शिव जी के मंदिर के साथ साथ और भी देवी देवताओं के आपको यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर देखने मिल जाएंगे, जिनके आप दर्शन यहाँ कर सकते हो। यहाँ ऊपर मुझे बहुत ही ज्यादा शांत लग रहा था, यहाँ पर सुंदर सुंदर फ्लावर्स के पेड़ है और यहाँ पर बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। अगर आप यहाँ ऊपर आते हो तो यहाँ पर शांति से जरूर बैठना, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अगर आप पुणे के आसपास कोई जगह एक्सप्लोर करना चाहते हो तो वो है गुड़ारेश्वर केव। तो अगली बार अगर आप पुणे विजिट कर रहे हो तो गुड़ारेश्वर केव में ज़रूर विजिट करना, आपको ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। अभी मॉनसून सीजन चल रहा है तो आपको यहाँ पर एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए। इस वीडियो की लास्ट एंड माई फेवरेट केव जो है केदारेश्वर केव, जो स्थित है अहमदनगर में। यहाँ जाने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, पर सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है पचनई विलेज और खिरेश्वर विलेज। मैं बात कर रही हूँ हरिश्चंद्रगढ़ पर स्थित केदारेश्वर केव की। इसमें से इजी लेवल है पचनई विलेज, जहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट से आना चाहते हो तो आपके लिए जो ऑप्शन है वो है खिरेश्वर विलेज, और मैं खिरेश्वर विलेज से ही गई थी। अगर आप खिरेश्वर विलेज से आना चाहते हो वो भी लोकल ट्रांसपोर्ट से, तो आप यहाँ पर आराम से आ सकते हो और उसकी वीडियो भी आपको डिटेल में मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिलेगी। इन दो ऑप्शन में से जो सबसे इजी लेवल है वो है पचनई विलेज, पर वहाँ पर एक प्रॉब्लम है, वहाँ पर कोई भी लोकल ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। और मैं आई थी खिरेश्वर विलेज से, जहाँ पर आप लोकल ट्रांसपोर्ट से आसानी से आ सकते हो। अगर आपको जानना है कि यहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट से कैसे आते हैं तो उसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसकी लिंक भी आप क्लिक करके वो वीडियो पूरा देख सकते हो। वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग और बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस से भरा हुआ है। लोकल ट्रांसपोर्ट के साथ साथ आपको ये थ्रिलिंग एक्सपीरियंस भी करने मिलेगा, क्योंकि ये ट्रैक है इजी टू मॉडरेट लेवल का, जहाँ पर आपको ये एक्सपीरियंस करने मिलेगा ट्रैकिंग करते वक्त। ये ट्रैक थ्रिलिंग भरा है, पर यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, पर ये ट्रैक का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा सुंदर और काफ़ी एडवेंचर से भरा हुआ है। पूरे 3 घंटे का ट्रैक कंप्लीट करके आपको एक्सपीरियंस करने मिलेगा केदारेश्वर केव, जिसमें शिवलिंग के दर्शन करने मिलेंगे। और अगर आपको ये 30 स्तंभ की कहानी जो युग से जुड़ी हुई है अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको नहीं पता है तो केदारेश्वर केव का डिटेल वीडियो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो जरूर चेकआउट करना। वहाँ पर मैंने डिटेल में यहाँ के बारे में कहानी बताई है। एक शॉर्टकट में यहाँ का एक क्लू दे देती हूँ, जो आपको यहाँ पर लास्ट स्तंभ देखने मिल रहा है वो है कलयुग। अगर आपको ये सब डिटेल में जानना है तो लिंक पर जरूर क्लिक करना। केव के बाजू में यहाँ पर शिव जी का भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर और पुराना मंदिर है, जहाँ पर गणपति बप्पा जी का भी एक मंदिर है, वहाँ पर आपको दर्शन करने मिलेंगे। ये मंदिर भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, यहाँ पर भी आपको कार्विंग करी हुई देखने मिलेगी। पचनई विलेज से या फिर खिरेश्वर विलेज से आप कहीं से भी आ रहे हो, आप एक बार केदारेश्वर केव जरूर विजिट करना। अगर आप हरिश्चंद्रगढ़ एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट आपके लिए प्लेस है, जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो और इसका एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो ये थे हमारे वन डे ट्रिप के 3 ऐसे केव्स जो आपको इस मॉनसून में या फिर कभी भी एक बार तो ज़रूर विजिट करने चाहिए। इसमें से आपने कौन सा लोकेशन विजिट किया है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मैं आप सबको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और सी ऑन नेक्स्ट संडे।